यूहन्ना 8:32 की सत्य को जान, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो हमें छुटकारा देना चाहता है, वो हमारे जीवन को शांति देना चाहता है। लिखा है कि वचन देहधारी हुआ है। आज अगर उस व्यक्ति के सामने कौन खड़ा है, एक शरीर के रूप में हम व्यक्ति को देख रहे होते, तो वो यीशु मसीह खड़ा है, वो वचन खड़ा है। लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ढेरा किया। अनुग्रह वचन देहधारी हो गया, आज वो सच्चा वचन देह को पहन लिया है और वो उस गिराशेनियों वाले व्यक्ति के सामने खड़ा है, उसे छुटकारा देने के लिए, उसे शांति देने के लिए, उसे जीवन देने के लिए। और वो कह रहा होता है, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। क्या कभी इसने कभी कहा था मुझे पीड़ा ना दे? इसने कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं कहा होगा मुझे पीड़ा ना दे। लेकिन आज वो यीशु के सामने है, आज वो प्रभु के सामने है, और जब प्रभु के सामने आने के बाद कहता है मुझे पीड़ा ना दे, इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास परमेश्वर का पुत्र है तो आपको पीड़ा दुष्ट नहीं दे सकता, शैतान बाइबल के अनुसार आपको पीड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान का पुत्र यीशु मसीह जब आपके पास है तो उनके अधिकार में सब कुछ है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, ऐसा प्रभु है कहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु को सौंपा गया है। वह कह रहा है कि कोई भी तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। आज परमेश्वर का पुत्र जब सामने है, मतलब वचन सामने है, तो उसकी जिंदगी में पीड़ा होता है, शैतान पूरी तरह पीड़ित हो जाता है, उसे दर्द होने लगता है। आज जब प्रभु यीशु मसीह जब आपके साथ है, जब उसका वचन विश्वास करके जब आप अपने जीवन में उसे पूरा कर रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिए, उसे अपने जीवन में प्रथम स्थानों पर रख लिए हैं, तो याद रखना है, बाइबल ये भी बताती है कब्रें खुल जाएंगी। वचन कहता है कब्र खुल जाएगा और हम अनंत निवासों में प्रवेश करेंगे। कब्र की दशा हमारी ज्यादा समय तक नहीं है, कब्रें खुल जाएगी और हम अनंत निवासों में पहुंचेंगे। हमें प्रभु साकलों से, जिसे शैतान बांध कर रखता है, नशा करने वाले, पाप करने वाले, व्यभिचार करने वाले, गुनाह करने वाले लोगों को शैतान बांध के रखता है, वो उन्हें बांध देता है, उनके विचारों को बांध देता है, उनकी सोच को बांध देता है, उनके विवेक को बांध देता है, और वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। वो अगली सुबह कहते कि मैं अब नशा नहीं करूँगा, पर वो जैसे ही शाम होती फिर से उसी में आ जाते। फिर कहते कि मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, फिर वो व्यभिचार करते हैं। चोरी कहते मैं नहीं करूँगा, फिर से वो चोरी करते हैं। वो अपने आप को छुटकारे की बात तो बोलते हैं, परंतु वो छुटकारा पाते नहीं हैं। याद रखो, इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगा करने वाला, निर्गमन 15:26, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ कह के प्रभु बोलता है। आज हम जब इस बात को देख रहे हैं यहाँ पर कि जब वो इतना ग्रसित है, जो कब्रों में लेके रहा करता था और उसे साकलों से बांध दिया गया था, वो किसी रीति से भला चंगा नहीं हो सका, परमेश्वर का पुत्र उसके सामने आ गया। आज आपके जीवन में भी जब हम छुटकारे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुटकारा तो चाहते हैं पर वो अपने जीवन में यीशु को अपने निकट आने नहीं देते। जब प्रभु आपके निकट आएगा तो वो प्रकाश है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। अंधकार में ना चलेगा मतलब कि आप दुष्ट की प्रवृत्ति में नहीं होंगे। लेकिन तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो अंधकार में नहीं चलेगा, यह स्पष्ट कहता है कि आप मसीह के प्रकाश में रहेंगे, आप उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति में चले और फिरेंगे। इसलिए हमें उसके वचन के करीब प्रार्थनाओं के साथ आना चाहिए, इसलिए हमें उसके करीब वचन के साथ आना चाहिए, उपवास के साथ आना चाहिए, पवित्रता के साथ आना चाहिए, उसके साथ धीरज धर कर आना चाहिए, संयम के साथ आना चाहिए। वो हमारे जीवन को उत्तम भागों में लेके जाना चाहते हैं, वो हमारे जीवन को छुटकारे के दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वो हमारे भागों को, हमारे जीवनों में एक आशीषों के रूप में लेके जाना चाहते हैं। इसलिए आज यहाँ पर देखिए, वो व्यक्ति जानता नहीं था लेकिन पिता सबको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सबसे प्रेम किया है। 1 यूहन्ना 4:10 को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि तूने मुझसे नहीं परंतु मैंने तुझसे प्रेम किया। 1 यूहन्ना 4:10 को हम पढ़ेंगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया,
पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो आज हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम कर लिया, हम तो उसे जानते भी नहीं थे। गिरासेनियों के देश में रहने वाला व्यक्ति को कौन जानता था? क्या गिरासेनियों वाला व्यक्ति जानता था? वो तो दुष्टात्मा से पीड़ा में था, वो तो दर्द में था, वो तो बहुत मुश्किल में था, वो तो मरने जैसे उसके हालात थे। उसके पास यीशु क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि पहला यूहन्ना 4:10 का वचन पूरा होता है। वचन कभी भी अधूरा नहीं है, वो हमेशा समय पर पूरा होता है। तो वो पूरा हो गया और वहां पर परमेश्वर का पुत्र का जो प्रेम था उस व्यक्ति के लिए प्रकट हुआ जो कब्रों में रहा करता था। दुष्टात्मा उसे कब्रों में लेके रहता था और उसे साकलों से बांध दिया था और वो घायल करता था। आज पत्थर से शैतान आपको घायल करता है। घायल क्या क्या नहीं करता वो? आपके बिजनेस को घायल करता है, आपके तमाम संतानों को घायल करता है और तमाम परिस्थितियों को वो घायल करता है। हम उससे निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते। हम उससे बचना चाहते हैं, हम उससे बच नहीं पाते। वो आपका पीछा करके आपको पकड़ लेता है और आपकी तमाम अच्छी चीज़ों को वो घायल कर देता है। जैसे कि इस गिरासेनियों वाले व्यक्ति को, ये पत्थर से अपने आप को घायल करता था, मतलब वो उस शरीर को मारना चाहता था जिस शरीर में वो था। आज वो आपके शरीर को भी खत्म करना चाहता है, बीमारी देकर के, तमाम समस्या देकर के, जैसे कि यूहन्ना 10:10 में लिखा गया है। अगर उस आयत को हम ध्यान से पढ़े तो वहां क्या लिखा गया है, यूहन्ना 10:10 में अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा गया है कि शैतान क्या करता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है। लेकिन प्रभु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, स्वर्गीय पिता हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। लेकिन चोर क्या करता है? चोर कौन है? यहां पर चोर बाइबल में कहने के अनुसार शैतान से है। शैतान क्या करता है? वो चोरी करता है आपके धन को, आपके स्वास्थ्य को, आपके घरानों में आनंद को, आपके घरानों में शांति को वो चोरी करता है और फिर नष्ट करता है। आगे लिखा है नष्ट करता है और फिर क्या लिखा है, घात करता है, फिर नष्ट करता है, आखिर में नष्ट करता है। वो इंसान क्या हुआ? आज गिरासेनियों के देश में रहने वाला व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है? आज वो पूरी रीत से नष्ट होने पर है, पर हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हो गया। जैसे आपके जीवन में, हमारे जीवन में, परिवार के जीवन में परमेश्वर पिता का अनुग्रह आ गया क्योंकि उसने हमें खींच लिया कि हम पुत्र को जाने। याद रखना है, उसने हमें खींच लिया। पिता जब तक हमें ना खींचे हम पुत्र को नहीं जान सकते। कहता है जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। उसका जो प्रेम है वो हमें बचाने के लिए ही है, उसका जो बलिदान है वो आपको छुड़ाने के लिए ही है। हालेलुया। आज यहाँ पे प्रभु आपके उस गिरासेनियों वाले व्यक्ति के सामने पहुंच करके उसकी जिंदगी को प्रभु ने किस रीत से हल किया। और शैतान कहता है मुझे पीड़ा ना दे, मुझे दर्द ना दे, मुझे स्वरों में भेज दे। हाँ, न्याय का समय तो नहीं है, इसलिए वो उसे वहां भेज दिया गया जहां पे वो जाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा समाधान बनता है, प्रभु कठिनाइयों में हमारा मार्ग बनता है, वो हमारी शांति बनता है, वो हमारे जीवन का कल्याण करना चाहता है, हमें उपयोगी वस्तुओं को हमारे लिए प्रदान करता है। आप जानते हैं कि जब ये चंगा हो गया, जब ये जाना चाहता था कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपके साथ रहकर सेवा करूंगा क्योंकि आपने मुझे छुटकारा दे दिया, तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, तू अपने घर जा भाई, तू अपने घर जा और सारे लोगों को बता कि किसने तुम्हें छुटकारा दिया है। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर ने छुटकारा तो दिया है पर वो आज शायद यीशु की बातों को दूसरों को नहीं बताते, वो अपनी गवाही दूसरों को नहीं देते। देना चाहिए। आपको प्रभु ने इसीलिए छोड़ा है छुटकारा देकर कि आप उस काम को, उस चमत्कार को, उस परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सेवकाई में आपने प्राप्त किया उसे दूसरों को बताएं। प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें क्यों छुटकारा देना चाहता है, वो हमसे इतना प्रेम क्यों करता है, याद रखें, क्योंकि हम उसके बनाए हुए लोग हैं। उत्पत्ति अध्याय 1:26 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने हमें आपको बनाया। आज जो भी नशा कर रहे वो भी परमेश्वर के लोग हैं लेकिन पाप ने उन्हें हटा दिया है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं।
वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। वो हमें ऐसे नहीं जीने के लिए दिया, वो हमें जब निर्माण किया, हमें बनाया, तो उसने हमें अधिकार भी दिया ताकि हम इस जीवन में अधिकार के साथ जी सकें। और अधिकार के साथ हम, जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक हमारे पास वस्तुएं नहीं होंगी, बहुमूल्य चीजें हमारे पास नहीं होंगी। तो अधिकार भी परमेश्वर हमें देता है। तो आज यहाँ पर हम जब उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, हम उसकी समानता में निर्माण किए गए हैं, इसलिए वो आपको बचाना चाहता है। आप कहीं भी होते हैं, किसी भी जगहों पे होते हैं, वो आपको छुड़ाना चाहता है। वो गिरासीनियों वाला व्यक्ति कभी भी यीशु को नहीं जानता था, पर यीशु उसके सामने आ गए। और वो बाइबल कहता है कि वो झील को पार करके, हम कहेंगे कि नदी को पार करके, वो उसके पास आ गए छुड़ाने के लिए। बहुत ग्रसित था, उसे कोई छुटकारा नहीं दे सकता था, लेकिन क्या यीशु ने उसे मरने दिया? नहीं, प्रभु ने उसे मरने नहीं दिया और उसे छुटकारा दिया, उसे अनंत जीवन दिया। आज आपके भी जीवन में और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार सामने हैं, शायद आप प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु आपको जानता है। आप प्रभु से दूर हैं, लेकिन वो आपके निकट आना चाहता है। वो आपसे अपना प्रेम, उसका जो प्रेम है वो आपके जीवन के लिए है। वो आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपसे प्रेम इसीलिए किया है कि आप पाप में ना जिए। वो प्रेम आपसे इसीलिए किया है, आपके लिए सलीब के ऊपर बलिदान इसीलिए किया है, अपने आप को इसीलिए बलिदान दे दिया है। और क्यों? क्योंकि ताकि आप पाप की संगति में न रहें, आप शैतान के अधिकार में न जाएं। और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। उसने सब कुछ प्रायश्चित कर लिया है। अब आपको प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है, उसके वचन के अगुवाई में अपने आप को लेकर चलना है। आज जो भी समस्याओं में है, दुखों में है, पीड़ाओं में है, उससे प्रार्थना करें। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तुझे कठिन और कठिन बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते। तो आज हम उसके सम्मुख जब आते हैं, तो हम विश्वास के उस कदम को उठाते हैं प्रार्थना के साथ, विश्वास के उस कदम को उठाते हैं उपवास के साथ, पवित्रता के साथ, संगति के साथ, उसके वचन को लेकर हम चलते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। वो हमारे जीवन के लिए प्लानिंग करता है, वो हमारे जीवन के लिए उपाय करता है, वो हमें शांति के पथों पर लेके चलता है, वो हमें बीमारियों से दूर करता है, वो हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करता है, हमें नशे से मुक्त करता है, हमें व्यभिचार से मुक्त करता है, और हमें एक शांति का जीवन, पवित्रता का जीवन हमें वो सौंपता है। तो प्रिय भाई बहनों, आज वो आपको जिस तरह गिरासेनियों के देश वाले व्यक्ति को प्रभु छुटकारा देना चाहता था, वैसे आज भी दिया उसे, वैसे आपको भी छुटकारा देना चाहता है। शायद आप उसे जानते हो या नहीं जानते हैं। जो उसे जानते हैं उनके लिए और आशीष है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी परमेश्वर आशीष बन कर आएगा। वो आपके जीवन को नया, ताज़ा और गहरे अभिषेक से भरेगा। उसने 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।